नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं तुषार मंडल और आप देख रहे हैं अटल भारत समाचार। आज शुरुआत करें कोरोना के मामले से। साहिबगंज जिले में कल कुल 13 मामले कोरोना के आए और 9 लोग भी स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। अभी साहिबगंज जिले में कुल 56 मामले कोरोना के सक्रिय हैं। कोरोना के रोकथाम के लिए केंद्र सरकार व सभी राज्य सरकारें हर संभव प्रयास कर रही हैं। हमारे पड़ोसी राज्य बिहार ने भी कुछ दिन पहले ही बिहार में लॉकडाउन को 8 जून तक बढ़ा दिया है। कल सुबह के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बैठक कर लॉकडाउन को 10 जून तक बढ़ाने का फैसला किया है। लॉकडाउन तो बढ़ा है, पर इसके साथ साथ कम संक्रमण वाले इलाकों में कुछ रियायतें देने का काम भी किया गया है। झारखंड सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को 10 जून सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया है। जिले के अंदर सामान लाने जाना हो या अन्य कामों के लिए ई पास की व्यवस्था थी, उसे भी हटा दिया गया है। अब लोग बिना ई पास के जिले के अंदर आवागमन कर सकेंगे। हाँ, लेकिन अन्य राज्य जाने के लिए फिर ई पास कराना अनिवार्य होगा। ज्यादा संक्रमण वाले 9 जिले जिसमें कि बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर, देवघर, रांची, हजारीबाग, गरवा, गुमला और रामगढ़ में कपड़ा, ज्वेलरी और जूता चप्पल की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें खुली रहेंगी। मॉल व मल्टी ब्रांड वाली दुकानों को अभी भी बंद रखा गया है। बाकी 15 जिलों में सभी दुकानें दोपहर के 2 बजे तक खुल सकती है। इस समाचार में इतना ही। अटल भारत समाचार अपने दर्शकों से अपील करता है कि बेवजह इधर उधर ना घूमें, काम रहने पर ही बाहर जाएं, मास्क का उपयोग करें, समय समय पर सैनिटाइज करते रहें हाथों को अपने, और सामाजिक दूरी का भी पालन करें। बाकी खबरों के लिए बने रहें अटल भारत समाचार के साथ।